राज्य को कोई हिला नहीं सकता। परमेश्वर का अनुग्रह है, तुझ पर हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। उसके राज्य का कोई अंत ना होगा और वह इस दुनिया के पापों का अंत करने वाला रक्षक है। यह कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। मैं उसे बदनाम नहीं करना चाहता, इसलिए मुझे उद्धार देता हूँ। यूसुफ, यूसुफ, तुम अपनी पत्नी को अपने घर लाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। यूसुफ स्वर्गदूतों की बातों को मानकर मरियम को अपने घर ले आया। अरे मूर्खों, कुछ तो उपाय सुझाओ कि हम उस रक्षक के जन्म को रोक सके। बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। पर मेरे शैतानी दिमाग में एक आइडिया आया, यीशु को जन्म लेने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी तो उसका जन्म कैसे होगा। जियो शैतान के बच्चों, तुम ही शैतान के राज्य को बढ़ाओगे। वाह, क्या युक्ति लगाई है।
अपने शैतानों को भेजो ताकि लोगों को वो बहका सके। मरियम और यूसुफ सराय के मालिक के पास गए, पर सराय में जगह नहीं मिलने के कारण उद्धारकर्ता का जन्म गौशाले की चरनी में हुआ। उन्होंने हमें धोखा दिया।
यूसुफ उठ, बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश में चला जा। हे मालिक, हम बर्बाद हो गए, मसीहा बच गया है और अब उसे कोई नहीं मार सकता। अब हमारा साम्राज्य का अंत हो जाएगा, क्योंकि वह लोगों को उनके पापों से बचाकर स्वर्ग ले जाएगा। शैतान और उसकी पलटन रो रहे हैं और यहाँ देखिए पूरी दुनिया यीशु के जन्म की खुशियाँ मना रही है। Thank you.